जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन, फिर कोरोना काल में पुष्टि सृष्टि से कुछ दृश्यों का अवलोकन करेंगे, फिर देखेंगे प्रभु श्री जी की नगरी में लॉकडाउन के द्वितीय चरण का 15वां दिवस कैसे गुजरा। अब समाचार विस्तार से। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी है, गुरुवार 30 अप्रैल 2020। आज श्री लाल गिरधर जी महाराज के उत्सव के श्रृंगार धराए जाएंगे। आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री लाल गिरधर जी महाराज का उत्सव है। आप तिलकायत होने के साथ साथ उत्कृष्ट कवि थे। आपने श्री लाल गिरधर के नाम से कई कीर्तन रचित किए हैं, जो कि श्री जी सेवा में आज भी गाए जाते हैं। उत्सव होने के कारण श्री जी की सेवा प्रणाली का मैं आज सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशा पाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है। आज सभी समय यमुना जल से झारी जी भरी जाती है, दो समय थाली में आरती की जाती है। धीरे धीरे उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के साथ ही प्रभु के सुख में भी उसी क्रम में वृद्धि होती रहती है, जिससे श्री ठाकुर जी को उष्णता का अनुभव न हो। प्रभु सुखार्थ इतनी सूक्ष्मता से सेवा क्रम का निर्धारण निसंदेह पुष्टि मार्ग में ही संभव है, और जो अद्भुत है। इसी क्रम में प्रभु के सेवा में आज कुछ परिवर्तन होते हैं, आइए देखते हैं। अब से मंगला के समय श्री जी को उपरना के स्थान पर आड़बंद धराया जाता है। आज से ही श्री जी को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाएंगे और प्रभु की पीठिका के दर्शन होंगे। आज से ही भोग के दर्शन में प्रभु सुखार्थ शीतल जल से चांदी के फव्वारे चलाए जाएंगे एवं राजभोग के उपरांत हर घंटे भीतर व संध्या आरती दर्शन के उपरांत डोल तिवारी में भी शीतल जल का छिड़काव प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा शीतल एवं सत्वा के भोग की सेवा तो जारी है ही है। आइए अब देख लेते हैं प्रभु श्री जी की आज की साज की सेवा में क्या है। केसरी रंग की मलमल की, उत्सव के कमल के काम की और रुपहरी किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई आज प्रभु को धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज श्री जी को केसरी डोरिया का श्याम झाई का पिछोड़ा धराया जाता है। आज से ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका के दर्शन होंगे। प्रभु के श्रृंगार दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा कमर तक उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। उत्सव के हीरा व मोती के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर श्याम झाई की केसरी छज्जेदार पाक के ऊपर संक्रांति वाले सिरपेच रुपहरी लूम की किलंगी एवं बाई ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में हीरा के झुमका वाले कर्णफूल की जोड़ आज धराई जाती है। श्रीकंठ में आज त्रवल नहीं धराए जाते हैं, बल्कि कंठी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। इसी प्रकार दो माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। आज पीठिका के ऊपर श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की एक मोटी सुंदर माला जी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, उष्ण काल के सुआ वाले वेणु जी एवं दो वैत्र जी धराए जाते हैं। वहीं खेल के साज में उष्ण काल का पट व गोटी बड़ी हकीक की आती है।
प्रभु की राग सेवा में आज मंगला में भोर गिरवर धरन भले आए, राजभोग में बधाई श्री वल्लभ नंदन रूप, आरती में पिछोरा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, तथा पोड़वे के पद में पोड़े पिए गिरधर राय कीर्तनों का गान किया जाता है। प्रकृति के साथ में इतना अच्छा संयोजन शायद हमको और कहीं देखने को नहीं मिलता है। प्रभु की अद्भुत सेवा प्रणाली का है ये। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। आइए इस कोरोना काल में पुष्टि सृष्टि से कुछ दर्शनों का आनंद लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के सखड़ी के प्रसाद के दर्शन हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर के तिलका श्री की आज्ञा से यह प्रसाद जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में मिली कुछ रियायतों से मंदिर में विकास कार्य भी अब प्रारंभ हो गए हैं। जैसा कि आप इन दृश्यों में देख पा रहे हैं, मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी एवं मुख्य इंजीनियर अवलोकन कर रहे हैं निर्माण कार्य का। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में लॉकडाउन के द्वितीय चरण का 15वां दिवस कुछ इस प्रकार बीता। केवल एक कोरोना पॉजिटिव जो मुंबई से आया था, उसके अलावा 700 से अधिक सैंपलों की जांच की जा चुकी है, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल 133 सैंपल लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट आज आएगी। नगर में लॉकडाउन की पालना पूरी तरह से की जा रही है, जैसा कि दृश्यों में आपको दिखाई दे रहा है। यह प्रभु श्रीनाथ जी के नगारखाने के दृश्य हैं। आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्डी एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा कीर्तन समाज नागपुर से साभार। जय श्री कृष्ण।